गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन योर पेज नंबर 14। तो आप लोग ओपन कर लिया, आप लोगों ने अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आ की मात्रा, मतलब चैप्टर क्या है ये, मतलब मात्राओं को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। तो अ पढ़ा था, अब आपको क्या पढ़ना है, आ की मात्रा। तो चलिए सब फिंगर रखते जाइएगा, ठीक है। ये क्या है, आ, और ये उसकी मात्रा है। क धन आ, तो क्या हो जाएगा, का। ख धन आ, क्या हुआ, खा। ग धन अ, गा। घ धन आ, घ, है ना, घा। च धन आ, चा। छ धन आ, छा। ज धन आ, जा। और झ धन आ, झा। तो आ की मात्रा लगाने से उच्चारण बदल जाता है ना। ये केवल क था, हम इसमें क्या लगाए हैं, आ की मात्रा। तो क्या हो गया, का। ख में आ की मात्रा लगाए तो क्या हुआ, खा। ग में आ की मात्रा लगाए तो क्या हुआ, गा। घ में आ की मात्रा लगाए तो क्या हुआ, घा। च में आ की मात्रा लगाए तो क्या हुआ, च। छ में आ की मात्रा लगाए तो क्या हुआ, छा। ज में आ की मात्रा लगाए तो जा। और झ में आ की मात्रा लगाए तो झा। चलिए अब देखते हैं ये चित्र बना है उसको, है ना। काहे का चित्र है ये, तबला। किसी को देखा है आप लोगों ने तबला बजाते हुए। ये क्या है, ये टमाटर। टमाटर आप लोग सब जानते होंगे, टोमेटो, है ना। और ये क्या है, कान। क्या है ये, कान। सबके पास है ना कान। छू के देखिए कहाँ पे आपका ईयर, देखिए। चलिए आगे समझ में, अब इसको पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। इसमें आ की मात्रा नहीं लगाई, इसको आपको लगाना है। त ब ला, ल में कौन सी मात्रा लगाएंगे हम, आ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, तबला। क्या हुआ, तबला। ट फिर क्या लिखा है, माँ। और रेडिंग से आ की मात्रा लगा है ना। तो क्या हो गया, टमा। और ये टर पूरा हो, क्या होगा, टमाटर। फिंगर रखते जाएंगे, एक एक अक्षरों को आप ध्यान देंगे तो आप पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। क में कौन सी मात्रा लगा है, आ की मात्रा। और ये न, तो क्या हुआ, कान। तबला,